मोजदीन ने भेजे हदीसे देने कुतुबद्दीन आकीन, क़यामत नामे में चौपाई आती है। तो वो अपभ्रंश है, मोजदीन नहीं है, क्या है? मुइनुद्दीन। मुइनुद्दीन ने भेजी हदीसे देने कुतुबद्दीन याकीन, यकीन के मायने विश्वास। मुइनुद्दीन कौन? अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, उसको लिखा है मोजदीन। अब वो लिखने में हुआ या कैसे हुआ वो तो लिखने वाले जाने। तो उनका नाम था मुइनुद्दीन, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। उन्होंने भेजी हदीसे देनी कुतुबद्दीन यकीन। उन्होंने अपने शिष्य कुतुबद्दीन बख्तियार काकी, जो दिल्ली में मेहरौली के पास है, ये उनके शिष्य थे, उन्होंने अपने उत्तराधिकार इनको दिया। तो उन्होंने एक हदीस भेजी, क्या? अब वो तो नहीं लिखा है चौपाई में। वो क्या हदीस थी? कि शरीयत मर्तबा जाहिरी नासूत अस्त, कि शरीयत का जो मर्तबा है यानी कि प्रचलन है वो सिर्फ संसार तक है। तरीकत मर्तबा मलकूत अस्त, और तरीकत का जो मर्तबा है यानी कि स्तर जो है वो बैकुंठ तक है। और इससे आगे जो है शरीयत और तरीकत के आगे मारिफत और हकीकत जो है उसका मर्तबा लाहूत और जबरूत तक है। यानी कि कहने का भाव क्या है? संसार में जो प्रार्थनाएं की जाती हैं, आज मुसलमान मर तो सकता है, शरीयत नहीं छोड़ेगा। प्राणनाथ जी ने भी जब औरंगजेब को संदेश दिया तो औरंगजेब कहता है दो बार मुलाकात किए। अब दो बार मुलाकात करने के बाद भी फारसी में रुबाई कहता है दर अलिफ सानी कुरान मी बिनम के अज मेहदी व दज्जाल निशान मी बिनम, मानता है कि मैं हजार साल में निश्चित कुरान को देखता हूँ और आपके जहूर को देखता हूँ और दज्जाल के जाहिर होने का देखता हूँ। लेकिन दूसरी मर्तबा जब फिर मुलाकात करता है तो क्या कहता है? ना दीदार सुभान हक ताला अस्त, ना तो मैंने अल्लाह को देखा, ना दीदार रसूल मोहम्मद अरबी अस्त, कि ना मैंने मोहम्मद साहब को देखा। एन हक निशान, कि जब मैंने आपको देखा तो क्या देखा? हू बहू अस्त, कि आपको हू बहू मोहम्मद के साहब के जैसा देखा। और क्या कहता है? निकल जाए कदमों में आपके दम मेरा, ये जुस्त जू है और लुलू है। यानी कि ये मेरी इच्छा है कि अब आपके कदमों में मेरा दिल, ये चाहता है कि आपके कदमों में मेरे प्राण निकल जाए। लेकिन जब प्राणनाथ जी ने कहा कि भाई शरीयत छोड़नी होगी तो क्या कहता है? कि शरीयत मेरे से नहीं छूटेगी, ये मेरे अंदर खून की तरह दौड़ती है। अब जैसे किसी आदमी का खून निचोड़ दिया जाए तो वो कितनी देर जीवित रहेगा? तो क्या कहता है? कि शरीयत नहीं मैं छोड़ सकता, बाकी आप जो कहें मैं करने को तैयार हूँ। आप कहें तो मैं पूरी दुनिया को आपके कदमों में झुका दूँ, और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया एक धर्म की मानने वाली हो जाए। लेकिन आप शरीयत का पालन कीजिए, आप शरीयत पे सच्चे दिल से खुद भी चलिए और मुझे भी चलाइए। तो वो शरीयत नहीं छोड़ सकते। अब शरीयत को ही मुसलमानी समझ लिया है। वास्तव में शरीयत कब तक है? हदीस में जो कहा गया है कि शरीयत कब तक है, भाई शरीयत का मतलब क्या होता है? किसी को पता है शरीयत का मतलब क्या होता है? है ये तो गलत है ना। शरीयत का मतलब होता है नियम, ये तो हमने अपने मन से अर्थ बनाए हैं। शरीयत का मतलब होता है नियम, कि मुसलमान मर तो सकता है लेकिन नियम नहीं छोड़ेगा। यानी कि पांच टाइम नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है, साल में 30 दिन रोजे रखने हैं तो रखने हैं, उसको कहता है नियम। तरीकत का मतलब होता है आत्मशुद्धि, यानी कि आत्मशुद्धि के द्वारा कहाँ तक पहुँचा जा सकता है, यानी कि मन की शुद्धि के द्वारा कहाँ तक पहुँचा जाता है? बैकुंठ तक, यानी कि मलकूत तक। फिर उसके बाद मारिफत और हकीकत में कहाँ पहुँचा जाता है? जबरूत और लाहूत तक, यानी कि अक्षरधाम और परमधाम में ही मारिफत और हकीकत का ज्ञान प्राप्त होता है। तो कहने का भाव क्या है कि ये जो हदीस उन्होंने भेजी तो किस लिए भेजी थी? कि भाई कुतुबद्दीन, तुम जो शरीयत को बहुत ऊंचा समझते हो उस शरीयत से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। उससे वो शरीयत कब तक चलेगी? दूसरे भाव के अर्थ में आप जाने, भाई शरीयत कब तक है? जब तक आपका शरीर है। जब शरीर नहीं रहेगा तो फिर शरीयत क्या करेगी?
तो उन्होंने उनको कहा कि आप जो शरीयत को महत्व देते हो, शरीयत इस दुनिया से परे नहीं जाती, दुनिया से परे मन की शुद्धता जाती है और उससे आगे मारिफत यानी कि परब्रह्म की पहचान जाती है, और जब वो हो जाती है तो हकीकत आ जाती है। हकीकत का मतलब होता है सत्यता का साक्षात्कार करना। जिसके अंदर हकीकत आ गई तो उसको सब कुछ आ गया। तो कहते हैं जब उन्होंने ये हदीस भेजी तो उसने अपना जो तरीका था वो बदल दिया और सूफी साधना में लग गया। तो आज ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के बाद बख्तियार काकी जो है उनका बड़ा नाम है, मेहरौली में, दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको मालूम है कि वहाँ पे हर साल जो है एक जुलूस निकलता है फूल वालों की सैर के नाम से, जो मेहरौली से लेके और दिल्ली के दूसरे हिस्से तक पहुँचता है। तो इसको कहा जाता है हदीस। अब आप समझे कि नहीं कौन सी हदीस भेजी, अब चौपाई में तो लिखा नहीं है कि क्या भेजा, उसमें तो सिर्फ इतना ही लिखा है। तो ये संकेत दिया है कि भाई वास्तव में जो है क्या है। अब जैसे एक चौपाई में लिखा है इमाम सालवी यूँ कहे, अब क्या कहे ये नहीं लिखा है। तो उसमें क्या है, विवाद रहता है मुसलमानों में, हाथ बांध के नमाज पढ़ी जाए या हाथ खोल के पढ़ी जाए। पहले सब लोग हाथ बांध के नमाज पढ़ते थे। यरूशलम में, जहाँ आज इसराइल जो देश है, यरूशलम के अंदर जो एक जगह है जिसको मुसलमान भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं और ईसाई भी मानते हैं, जैसे मक्का में काबा है, तो यरूशलम में भी ऐसे ही एक मस्जिद अक्सा के नाम से मुसलमान कहते हैं। तो पहले सब लोग उधर को नमाज पढ़ते थे। अब वो जो पहली चौपाई थी ना, हजरत इत करी, तो क्या मतलब कि पहले सब लोगों की धारणा कहाँ थी, जामनगर में। फिर जब प्राणनाथ जी सूरत में आ गए तो उनकी कहाँ हो गई, सूरत में। तो इसी तरह जैसे कि पहले सारे मुसलमान हाथ बांध के कहाँ नमाज पढ़ते थे, यरूशलम में, मक्का की जगह यरूशलम में पढ़ते थे और मस्जिद अक्सा की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते थे जो पूरब में पड़ती है। फिर जब हुक्म हुआ कि ए मोहम्मद इनके हाथ खुलवा दो, तो जब हाथ खुले तो सबकी मूर्तियाँ जो थी सब नमाज पढ़ते तो कैसे ऐसे रख लेते थे और ऐसे बीच में मूर्ति रखते थे। तो कहते भाई तुम तो नमाज पढ़ने गए। अरे नहीं नहीं हम नमाज पढ़ने थोड़े गए थे, हम तो अपने माबूद को देख रहे थे और ये देख रहे थे कि मोहम्मद क्या कहते हैं, तो हमने तो उनकी बातों पे सुना नहीं, हम तो अपने माबूद यानी कि अपने इष्ट को ही देखते नहीं रहे कि भाई हमारा इष्ट नाराज ना हो जाए। तो कुरान के अंदर आयत आई कि ए मोहम्मद इनके हाथ खुलवा दो, जैसे ही हाथ खुलवाने का हुक्म हुआ तो सब ने जो मूर्तियाँ रखी हुई थी हाथों में वो सब गिर गई, तब से हाथ बांधने का हुक्म ख़त्म हो गया। अब यहाँ से शिया और सुन्नियों में विवाद है। तो इमाम सालवी यूँ कहे, तीन इमाम जो हैं सुन्नियों के वो कहते हैं कि हाथ बांध के नमाज पढ़ो, दूसरा जो इमाम है मालिक वो कहता है कि हाथ खोल के पढ़ो। ये है कि इमाम सालवी यूँ कहे, कि इमाम सालवी यानी कि सालवी का मतलब दूसरा, दूसरा इमाम कौन, इमाम मालिक। अब ये जो तीन इमाम थे, ये तीनों इमाम मक्का और मदीना के आसपास भी पैदा नहीं हुए, कोई 100 किलोमीटर दूर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर, इस तरह ये पैदा हुए। सिर्फ इमाम मालिक जो थे वो मदीना में पैदा हुए। तो जो जिस इलाके में रहता उस इलाके की परंपरा को तो वही जानता है ना, 100 किलोमीटर वाले को तो नहीं पता कि वो क्या करते थे। तो इसीलिए ये कहा गया। अब रही बात शरीयत की, अब मुसलमानों ने जिसको धर्म समझ लिया वो वास्तव में क्या है कि इब्राहिम पैगंबर को लानत लगी, उनकी पहली पत्नी जो थी सारा, उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने मुस्लिम प्रथा के अंदर ये रिवाज है उपपत्नी रखने का, तो उन्होंने जो उनके यहाँ सेविका थी उससे निकाह किया और उसका नाम हाजरा था, उसके यहाँ उनको बेटा हुआ। तो खुदा ने उसको बशारत दी कि आपके यहाँ बेटा होगा। तो इब्राहिम पैगंबर कहते हैं कि भाई मेरी उम्र तो 99 साल है, मेरी जो पत्नी है उसकी उम्र भी 90 साल है। चौपाई में आता है ना कि औरत मेरी नहीं जनने वाली, कि मेरी औरत भी 90 साल की है उसको भी बच्चे नहीं हो सकते, मेरी उम्र भी 99 साल हो गई, तो अब कैसे होगा। तो उनके यहाँ पहले तो हाजरा से बेटा हुआ, जो हाजरा से बेटा हुआ उसका नाम रखा गया इस्माइल। हाजरा जो थी वो अरबी नस्ल की थी, सारा जो थी वो फिलिस्तीनी नस्ल की थी, उसके यहाँ भी बेटा हुआ।
अब उसके यहाँ जो बेटा हुआ उसका नाम इसहाक रखा गया। अब दोनों में आपस में विवाद रहता था, तो हुक्म हुआ कि एक को यहाँ से दूर छोड़ाओ। तो हाजरा को फिलिस्तीन को ले जाकर, इब्राहिम पैगंबर फिलिस्तीन में रहते थे, तो वो फिलिस्तीन छोड़ के उसको अरब में छोड़ाए और सारा फिलिस्तीन में रहती रही। तो दोनों की अलग नस्लें चली, यानी कि अलग वंश चले। जो इसहाक के जो नस्ल है, जैसे चौपाई में आता है ना, बनी इस्माइल यूँ कहे, बनी इसराइल यूँ कहे, तो बनी इस्माइल का मतलब है कि जो इस्माइल पैगंबर की नस्ल है। बनी इसराइल यहूदियों को कहा जाता है, कहते ना गिरे भुने मुर्ग आसमान से बनी इसराइल यूँ कहे। बनी इसराइल यानी कि यहूदी लोग कहते थे कि हमारे यहाँ तो ऊपर से भुने हुए मुर्गे गिरते हैं, कि हमारे जो पूर्वज जो साधना करते थे, जब उन्हें भूख लगती थी तो वो परवरदिगार से दुआ करते थे और ऊपर से मुर्गे और बटेर तीतर भुने हुए उनके आंगन में गिर जाते थे और वो उसको खा लेते थे। तो बनी इसराइल का मतलब होता है यहूदी। तो अब विवाद ये हुआ कि भाई एक पत्नी जो थी, दूसरी पत्नी जो थी, दोनों से एक बेटे हुए। तो न्यायाधीशों ने ये कहा कि भाई इन्होंने दूसरी जो पत्नी थी उसको, क्योंकि विधिवत रूप से निकाह नहीं हुआ, तो इसलिए वो उन पे हराम है। तो उनको सजा लगाई गई कि भाई इनके जो ये कुर्ता है, तो ये कुर्ता छुआ होगा तो ये इतना कुर्ता काट दें। कुरान कहता है कि भाई जो चीज़ से नुकसान हो वो चीज़ काट दो। मान लो किसी से हाथ से नुकसान हो, चोर के हाथ पहली बार अगर चोरी करता है तो उंगली काटो, दूसरी बार गट्टा काटो, तीसरी बार यहाँ कोहनी से काटो। तो कहा कि भाई पैगंबर है, इसको कैसे सजा दें? तो कहने लगे कि भाई इनका हाथ छुआ होगा तो हाथ की जगह कुर्ते का इतना हिस्सा काट दो, ये पैर छुआ होगा तो पैर का इतना पहुँचा काट दो, ये लब यानी कि होठ छुए होंगे तो ये जो मूछें हैं ये तराश दो, फिर इनका जो शरीर का जो हिस्सा है यहाँ पे सिर पे हाथ लगा होगा तो सिर के बाल मूंड दो। तो उसी को मुसलमानों ने ये समझा कि यही इस्लामी शरीयत है और जो इसका पालन करता है वही सच्चा मुसलमान है। अब ये मुसलमानों पे कब लगी? जब मोहम्मद साहब के पास लोग बाग नमाज पढ़ने आते थे और धर्म को मानने आते थे, तो हंसी करते थे, अपने कबीले में जाके कहते थे कि भाई हम तो नहीं जानते या हम नहीं मानते, हम तो सिर्फ देखने गए थे कि वो क्या कर रहे हैं। तब ये आयत आई कि इन पर इब्राहिमी शरीयत लगा दो। इब्राहिमी शरीयत मतलब जो इब्राहिम पैगंबर को सजा लगी थी वो इन पर लगा दो। जब ये इधर आएंगे तो पहचान ले जाएंगे कि ये वो हैं, आपके लोग हैं, उधर जाएंगे तो वो पहचान लेंगे कि ये हमारे लोग नहीं हैं। तब लोगों पर ये इब्राहिमी शरीयत लगाई गई कि ये ऐसे दाढ़ी बनाना, ऐसे टोपी लगाना, ऐसे कुर्ते ऊंचे पहनना, ऐसे पजामे ऊंचे पहनना। तो ये उस समय सजा के रूप में जो उनको लगाया गया था उसी को मुल्लाओं ने ये समझा कि यही सच्चा दीन इस्लाम है। उन्होंने कुरान को तो जाना नहीं, क्योंकि कुरान तो कहता है कि बिना इल्म लदुन्नी के फुरकान रहा कुवारा, कि कुरान को तो छुआ नहीं जा सकता बिना इल्म लदुन्नी के। अब इल्म लदुन्नी आए कहाँ से? क्योंकि आज जितने भी मुसलमान हैं वो क्या कहते हैं, मुल्ला उनको ये सिखाता है कि भाई जिब्रील पैगंबर तो सिर्फ मोहम्मद साहब के पास ही वही लेके आते थे। जबकि उनकी बीवी आयशा क्या कहती है कि भाई तुम मोहम्मद को खात्मुल नबी तो कहो, लेकिन ए लोगो ये ना कहो कि उनके बाद कोई नबी नहीं। भाई खात्मुल नबी का मतलब क्या होता है? अंतिम अवतार। लेकिन कुरान कहता है कि इनके बाद एक आएगा जिसका नाम अहमद होगा और उसके बाद जो आएगा उसका नाम मेहदी होगा। तो अगर मोहम्मद साहब निकल गए तो उसके बाद तो आखिरी, अगर उनको कहा जाए तो उनके बाद दो जो कहे उनको तो नहीं कहा जा सकता। तो कहने का भाव क्या है, खात्मुल नबी का अर्थ ये नहीं है कि उनके बाद कोई नहीं आएगा। उसका वास्तविक अर्थ ये है कि ये अंतिम अवतार हैं, लेकिन इन्होंने पेशीन गोई यानी कि भविष्यवाणी की है कि मेरे बाद ये आएंगे। अब उनकी बातों को आप जितने भी प्रमाण देंगे, जैसे ईसाइयों ने मोहम्मद साहब को झुठलाया, यहूदियों ने ईसाइयों को झुठलाया, तो आपकी बात को कोई भी बिना प्रमाण के वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेगा और उसके ऊपर भी शर्त रखेगा कि भाई आप शरीयत का पालन नहीं करते।
तो शरीयत का जो पालन नहीं करते तो उसका अर्थ क्या है कि शरीयत कहाँ तक चलती है? नासूत तक। हदीस कहती है कि शरीयत तो नासूत तक चलती है, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? तो किसी भी व्यक्ति से जब बातचीत की जाती है तो उसको अगर आप सटीक प्रमाण नहीं देंगे, सटीक शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे, तो वो आपकी बात को दो मिनट में काट देगा। तो इसलिए हमें सटीक प्रमाण और सही उच्चारण के जो शब्द हैं उनको हमारे संज्ञान में होना चाहिए, तभी हम दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। अब जैसे विद्वान व्यक्ति वो होता है जो दूसरे धर्म में जाके उनकी भाषा में उनकी बात करे, उसको विद्वान कहा जाता है। अपने घर में तो कोई भी चार चौपाइयाँ रट के जो है प्रवचन कर लेता है, दूसरों के बीच में जाके, प्रवाही समाज के बीच में जाके दूसरे को प्रबोध देना, वो वास्तव में जागनी कही जाती है। नदी का प्रवाह जो होता है, नदी का पानी तो एक दिशा में बहता है, जो उसके विपरीत बहता है उसी को बहादुर कहा जाता है। नदी में तो कोई भी बह जाता है, जो भी चीज़ उसमें नदी में गिरती है तो वो बह जाती है, लेकिन जो उसके प्रवाह के विपरीत चलता है वही बहादुर कहा जाता है। संसार उसी का अनुसरण करता है जो बहादुर होता है। दीनहीन व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता, कमज़ोर आदमी को ताकतवर हमेशा दबाता है। जितने भी पैगंबर आए, अवतार आए, उनका उद्देश्य संसार को शिक्षा देना था, संसार को प्रबोध देना था। किसी भी अवतार, पीर, पैगंबर ने ये नहीं कहा कि मैं लोगों को मूर्ख बनाने आया हूँ। अब प्राणनाथ जी देखे, जब आकोट में बैठ के फतेह उल्लाह को और काजी शेखुल इस्लाम को चिट्ठी लिखते हैं तो पहली ही लाइन में एक बात लिखते हैं कि ऐ शेख जी, अगर हमारी बात झूठी होती तो कब की उड़ गई होती। अब एक बात में उन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि भाई हम सच्चे हैं। जैसे कल बताया था ना, सनद में चौपाई आती है कि कलाम में अरबी हक रसूल ना फाहल कसीदे कलम, तो इसी की व्याख्या में वो कहते हैं कि ऐ शेख जी, आप हमें अगर झूठा समझते हो और अगर हम झूठे होते तो हमारी बात कब की उड़ गई होती, यानी कि हम कब के चले गए होते। लेकिन जैसे अकबर ने दीन इलाही चलाया, आज उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं। प्राणनाथ जी ने जो निजानंद संप्रदाय की स्थापना की, तो आज भी 40 लाख जो संप्रदाय के अंदर जो व्यक्ति हैं, चाहे वो प्रणामी हैं, निजानंदी हैं, एक अलग विषय है, लेकिन उनका जो आधार है वो राज्य से ही जुड़ा है। वास्तव में वो चाहे उनकी मान्यताएं अलग हों, लेकिन मूलभूत सिद्धांत तो वही हैं जो निजानंद संप्रदाय के हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हमने जो विवाद बनाया है वो अपने दायरे को सीमित कर लिया है, तो हमें दायरे को सीमित नहीं रखना है, उसको जो है वसी करना है, यानी कि विस्तार करना है। विस्तार तभी होता है जब हम अपने ज्ञान के द्वारा या अपनी रहनी के द्वारा, देखिए दो चीज़ों से आदमी प्रभावित होता है, या तो ज्ञान से या रहनी से। ना हमारे अंदर रहनी हो ना ज्ञान हो तो कोई आदमी हमारी बात क्यों सुनेगा। या तो हमें इतना ज्ञान हो कि हम दूसरे को उसकी भाषा के आधार पर समझा सकें, या हमारी रहनी इतनी ऊँची हो कि हमारी रहनी को देख के प्रभावित हो। तो यही वास्तव में आत्मबोध का उद्देश्य होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।